नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द मिलिनेयर क्लब मीट में। जी हाँ, मिलिनेयर क्लब मीट इस बार खास है और कई मायनों में खास है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार लोगों को मिलने जा रही है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बड़ा बिजनेस ने एक बार फिर से लोगों के सामने अपार संभावनाएं पेश की है। लोगों को फिर से ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आप सपने तो देखो, साकार यहाँ हम आपको करके दिखाएंगे। राजेंद्र सिंह रावत, प्लीज वेलकम राजेंद्र सिंह रावत। ये जो विश्वास आपके अंदर जगा राजेंद्र जी, मैम आप एक लेबर के तौर पर काम करते थे, आप कहाँ के रहने वाले हैं सबसे पहले ये बताइए। मैम, हमारे भारत के अंदर ना एक बहुत प्यारा सा प्लेस है जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंदर भी एक देवभूमि और उत्तराखंड के अंदर भी एक बहुत प्यारी जगह है, वह है नैनीताल। क्या बात है। और नैनीताल के अंदर भी मैम एक जगह और है जिसको हम ग्रोइंग सिटी बोलते हैं, हल्द्वानी। और हल्द्वानी से मैम 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, तो उस गांव का नाम है होराई खत्ता और किसी को नहीं पता उस गांव का नाम। और उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, और वहां से भी अगर हमें कहीं बाहर निकलना होता था हल्द्वानी जाने के लिए भी, तो 45 किलोमीटर दूर हमें खुद की ही गाड़ियों से निकलना होता था, तो वहां से बिलोंग करता हूं मैम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिवार में आपने जब शुरुआत की, आप कहां पर काम कर रहे थे और उस वक्त क्या सोच थी आपके अंदर कि पता नहीं आगे जीवन भविष्य क्या होगा? मैम 2012 की मैं बात करूँगा आपसे, तो उस वक्त मेरे पिताजी की सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल हो गया एक साल, क्योंकि जब पेपर थे एग्ज़ाम थे तो पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो फिर मम्मी ने प्रेशर किया कि चलो इस बार तुम हाई स्कूल में पढ़ाई कर लो। परिवार में और कौन कौन है? अभी मेरी एक मदर हैं और दो मेरे भाई हैं, अदरवाइज़ जो पिताजी थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम अभी चार लोग हैं। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा करो तू पढ़ाई कर ले और मैं कुछ भी करके, मैं मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊँगी, और खेतों में काम करके और दूसरों का काम काज करके मम्मी ने मुझे पढ़ाया। तो मैंने हाई स्कूल 2014 के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर एक मिडिल क्लास फैमिली की मैम जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो फिर वो आगे पढ़ाई का सोच नहीं सकते, तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद फिर मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया, लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, 12 घंटे काम करता था, और कभी कभी जो कंपनीज के ओनर होते थे तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते थे मुझे घर भगा दिया करते थे कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कंपनी के अंदर विजिटिंग होगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कंपनी नुकसान हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो कभी कभी मैं घर से जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर दूर जाया करता था, और उस एरिया का नाम है सितारगंज, तो वहाँ जाता था मैं, और कभी कभी मुझे वापस आना पड़ता था रिटर्न होके। तो मतलब आप काम करने जाते थे लेकिन आपकी कम उम्र होने की वजह से आपको भेज दिया जाता था। एग्जैक्टली मैम, तो मुझे वापस भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से फिर मैंने एक कंपनी चेंज की, और उसके बाद मैं 1-1.5 साल बाद मैं 18 साल का पूरा भी हो गया, तो फिर मैंने आधार कार्ड भी बनवा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने लगातार 4 साल मैंने काम किया फैक्ट्री के अंदर, और 2018 के अंदर जो मेरी मदर है 2017 के अंदर, तो मेरी मम्मी आग से झुलस गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च, और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो 5300 के आसपास थी, 5300 के आसपास थी, उसमें से PF कट के उतनी मुझे मिला करती थी। अगर मैं 28 दिन पूरा जाता तो ही मुझे उतने मिलते थे। तो अब उस इंसान के लिए 3.5 लाख रुपये के ऊपर हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया, और 2019 के अंदर फिर मैंने कंपनी जाना छोड़ दिया। पता नहीं उस समय मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियोस थी, विवेक सर की वीडियोस थी, काफ़ी देखा करता था, काफ़ी फॉलो करता था, और सर की तरह बोलने का प्रयास करता था। मतलब आप जिस इलाके के बारे में बता रहे हैं मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, सुना है कभी नाम जहाँ से ये आते हैं, मतलब वहाँ भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस लोग देखते हैं। और मैम क्या बात है भाई, ताली हो जाए। तो 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगने वाला था उससे पहले ही मैंने IBC के बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती थी। तो उसके बाद जब 2020 के अंदर ही हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का जब विवेक सर का प्रोग्राम हुआ तो उसको मैंने अटेंड किया, वो भी पेड़ की डाल में बैठ के, क्योंकि पेड़ की डाल के ऊपर टॉप के ऊपर मैंने जो exactly. क्या बात है, पेड़ की डाल में बैठ करके अटेंड किया जी।
तो मैम मैंने उसको जो डोंगल होता है उसको मैंने ऊपर रख दिया, पेड़ में बांध के रख दिया ऊपर, और नीचे मैं डाल के बैठ के मैंने आराम से उसको अटेंड किया। लगभग 1.5-2 घंटे का वेबिनार था, तो वहाँ मुझे आई बी सी के बारे में पता चला। तो एक अंदर से एक हिट हुआ कि शायद हो सकता है मैं इसमें कुछ कर जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं बैठे बैठे काम करना चाहता था, और मैं घर में बोल चुका था कि मैं कंपनी नहीं जाऊँगा, और ऑलरेडी 1.5 साल से मैं घर में बैठा हुआ था। तो फिर जब मैंने आई बी सी के बारे में सुना और जब मैंने पता किया, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी, और एक 5,000 कमाने वाले इंसान के लिए मैम वो शायद 70-80 हज़ार रुपये देना वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैं बी ऑनेस्ट बोलूँगा यहाँ पर। तो उसके बाद जब मैंने घर में मम्मी से कहा, तो मम्मी ने कहा बेटा देख, ये बड़े बड़े लोगों को काम होते हैं, जिनके पैसे होते हैं वही ये कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कई जगह पर पैसे फंसा चुका था पहले और काफ़ी कर्ज और करवा चुका था। तो मम्मी ने कहा अब देख तू मत कर, तू कहीं कंपनी चले जा। और जब घर वालों ने काफ़ी प्रेशर किया तो मुझे लगा शायद मुझे कंपनी चले जाना चाहिए, तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। शायद मार्च अप्रैल के बीच में वो सेशन हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने जब लॉकडाउन बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर मैंने 2020-25 दिसंबर के अंदर मैंने आई बी सी ज्वाइन किया, और वो भी मैंने मम्मी जो मदर थी उनकी मम्मी ने अपने जो शादी में उन्हें गहने मिले थे उनको उन्होंने सेल किया, और देन मुझे फिर आई बी सी बनाया। तो उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया मैम, और 25 दिसंबर 2020 को मैं एज अ आई बी सी बड़ा बिजनेस के अंदर एनरोल हुआ और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। और आज कहाँ पर पहुँच गए मैम? आज मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज मैं सिखा पाता हूँ, स्किल सेट के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग दे पाता हूँ। 60,000 से ज़्यादा लोगों को? और आपकी उम्र क्या है अभी मैम? 23 साल। 23 साल जी, 23 साल में 2 करोड़ का बिजनेस, 60,000 से ज़्यादा लोगों को सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए यार। मेनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। रुक करते